दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं अपने नौशाद भाई की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में। जो सो अपने नौशाद भाई कर्नाटका से पैदल निकले हुए हैं ना, उनकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, अभी हराम शरीफ पहुंचने में कितना किलोमीटर की दूरी पर है, ये सारी बातें इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं। बस आप लोग इस वीडियो को लाजमी आखिर तक देखिए, और आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को अभी से एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने नौशाद भाई जो सो कर्नाटका से पैदल निकले हुए थे। ये बात तो आप सभी को मालूम ही होगा ना, जो सो अपने नौशाद भाई कर्नाटका से पैदल निकले थे, यानी कि आज को बराबर एक साल, ये मई नहीं अपने नौशाद भाई ही क्लियर कर दिए है। जनवरी के 30 तारीख 2023 निकले थे उन्होंने इस सफर पर। आज को बराबर एक साल हो चुका है। और अपने नौशाद भाई ये भी बताए कि जो सो कल के दिन यानी के 31 जनवरी 2024 को हरम शरीफ पहुंचने वाला हूं बोलकर अपने नौशाद भाई खुलासा कर दिए है। अगर उनको बीच में आप लोगों से मैं वीडियो भी शेयर करा था जो सो जेद्दा में अपने नौशाद भाई का जो सो सामान वगैरह फोन वगैरह चोरी हो चुका है बोलकर, तो अगर से वैसे प्रॉब्लम्स नहीं आए तो बराबर एक साल के अंदर ही अपने नौशाद भाई हराम शरीफ पहुंच जाते थे। ये बात भी अपने नौशाद भाई खुलासा करे हैं जो है सोशल मीडिया के जरिए से। तो अभी बात करते हैं अपने नौशाद भाई कल शाम तक हराम शरीफ पहुंचने वाले हैं। हो सका तो कल शाम में ही उमरा करेंगे, नहीं बोले तो परसों के दिन अपना उमरा करने वाले है अपने नौशाद भाई। समझ गए ना दोस्तों, ये थी अपने नौशाद भाई की अपडेट। हर वीडियो में आप लोगों से बताते आ रहा हूँ कि जो जो गाजा के लिए यानी कि फलस्तीन के लिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा दुआ कीजिए बोलकर, क्योंकि फलस्तीन के लिए दुआ करना हमारा फर्ज है। जो भी मोमिन भाई है, हर आदमी फलस्तीन के लिए, गाजा के लिए, मस्जिद अल अक्सा के लिए दुआ करना हमारा फर्ज है, क्योंकि मस्जिद अल अक्सा में फलस्तीन में यानी कि हमारे कई नबियों, कई रसूलों, पैगंबरों के, सहाबियों के खबर मुबारक वहां पर मौजूद है, और खास तौर पर हमारे हुजूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से ही मेराज का सफर किए थे। समझ गए ना दोस्तों, इसलिए हम सबका फर्ज है कि मस्जिद अल अक्सा के बारे में, फलस्तीन के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में हम दुआ करना जरूरी है, हमारा फर्ज है। जो भी मोमिन भाई है, हर आदमी दुआ करना जरूरी है। हर रोज आप लोग भी दुआ करिए, और आपके दोस्तों में भी, रिश्तेदारों में भी बताइए फलस्तीन के लिए ज्यादा से ज्यादा दुआ कीजिए बोलकर, क्योंकि अपन वहाँ पर जाके तो जंग नहीं लड़ सकते, तो अपन सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं। इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा दुआ कीजिए फलस्तीन गजा के लिए। हम भी कर रहे, आप भी करते रहिए हर वक्त।